हेलो एवरीवन माय नेम इज़ युक्ति आई जस्ट होप आप सब लोग ठीक हैं मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ प्लीज़ मुझे बताइए आप सब लोग कैसे हैं आपकी फ़ैमिलीज़ कैसी हैं ये जो अब लॉकडाउन और ये सिचुएशन चल रहे हैं आई जस्ट होप्स आप सब लोग उसमें ठीक हों और बहुत ही जल्दी ये सब माहौल ख़त्म हो और बच्चे स्कूल जा सकें वापस वही नॉर्मल लाइफ वापस आ सके आई जस्ट होप दैट एंड अगर आप सब लोग ठीक हैं तो दैट इज़ वेरी गुड थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने सबको ठीक रखा हुआ है आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ क्योंकि मैं पिंक एंड पीच लिपस्टिक्स की कलेक्शन आप लोगों को दिखाना चाहती थी मेरी लिपस्टिक्स की कलेक्शन देखकर उनकी वीडियोस देखकर मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई थी दैट शी वॉन्टिड टू सी सम सम ऑफ द पिंक एंड पीच लिपस्टिक्स आउट देर इन द मार्केट द टिपिकल पीचिश पिंक काइंड ऑफ़ लिपस्टिक्स शी वॉन्टेड टू सी सो मैंने ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए गैदर की है एंड आप सब लोगों के लिए भी गैदर की है कि आप लोगों को हेल्प मिल सके कि क्या पिंक एंड पीच लिपस्टिक्स की आजकल मार्केट में आई हुई हैं ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की लिपस्टिक्स हैं इसमें आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल वो वहीं पे नीचे सब्सक्राइब के बटन के साथ है आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है बिकॉज मेरी ग्लैम फ... मेरी ग्लैम फैमिली आपकी ग्लैम फैमिली उससे इंक्रीज होगी और हम लोगों को यही चाहिए कि हम एक सिस्टरहुड के साथ एक ग्लैम फैमिली बना सके एक ऐसी फैमिली बना सके जहाँ पे आप और मैं मिलके बहुत सारे इमोशंस शेयर कर सके अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके अपनी बातें शेयर कर सके हालांकि मैं कंटेंट दिखाती हूँ मेकअप रिलेटेड डाइट रिलेटेड बिकॉज मैं एक ट्रेंड डाइटिशन एंड ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैंने मेकअप आर्टिस्टी में राइट अभी कुछ टाइम पहले ही ट्रेनिंग uh, ली है एंड डायडेटिक्स में मैंने मास्टर्स की हुई है सो so, मेरी पूरी लाइफ हेल्थ डाइट एंड अब मेकअप के बारे में है बहुत सालों से मैं मेकअप इंडस्ट्री को फॉलो कर रही हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी उसके बारे में कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट्री का कोर्स किया आई वॉन्टेड टू कैरी ऑन विद दिस फील्ड प्रोफेशनली सो आई जस्ट होप आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आए और अगर ये सब पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू डू फॉलो मी और माय इंस्टाग्राम हैंडल इज बिलो सबसे पहले हैं में लिप एंड चीक कलेक्शन से कुशन एंड ब्लश वेलवेट कुशन पिंक टोंड है एंड ब्लश वेलवेट पीच है और ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक है जो चीक पे भी अप्लाई हो सकती है नेक्स्ट हम आते हैं ईवा लाल की लिपस्टिक्स पे पहली लिपस्टिक है एप्रिकॉट ब्लश जो एक पीच टोन्ड लिपस्टिक है और सेकंड है पिंक नेक्टर जो एक रोज टोन्ड लिपस्टिक है ये दोनों लिपस्टिक्स की बहुत ही मॉइस्चराइजिंग फिनिश है बहुत ही ब्यूटीफुल से फिनिश देता है लिप्स पे और बहुत ही पिगमेंटेड लिपस्टिक है नेक्स्ट है के लिपक्रेउन्स फ्रटर्निटी एंड वी आवर्स फ्रटर्निटी पिंक है और वी आवर्स पीच डॉन लिपस्टिक है ये बहुत ही सारे कलर्स कलर रेंज में अवेलेबल है लिपस्टिक और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से फिनिश देती है वेलवेटी फ़ील है इसकी और काफ़ी हद तक ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट है ये उतरेगी नहीं आसानी से उसके बाद आप लिपस्टिक्स के नाम पढ़ सकते हैं लनफॉर कॉस्मेटिक्स के लिपस्टिक जो है वो वेलवेटी है और साथ में काफी हद तक ट्रांसफर रेजिस्टेंट है लेकिन शुगर कॉस्मेटिकल तो और इनका टेक्स्टर बहुत ही डिफरेंस है थिन कंसिस्टेंसी की लिपस्टिक्स हैं बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड लिपस्टिक्स हैं ये बहुत सारे कलर रेंजेस में आती है लेकिन ये एक बार अप्लाई कर दो तो ये ट्रांसफर नहीं होती और ये मॉइस्चराइजिंग बहुत है आपको ये कलेक्शन जरूर ट्राई करनी चाहिए पिंक एंड पीच कलेक्शन में नेक्स्ट है लॉरियल कलर स्टार कलेक्शन में नाउमी एंड लक्स लेता कलेक्शन से शलिस प्लान ये दोनों ही लिमिटेड एडिशन लिपस्टिक्स थी दोनों मैंने इनके बेसिकली कलर के लिए ली थी एंड बहुत ही मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक्स थी शायद ये अभी भी अवेलेबल हो तो यू कैन गो एंड चेक आउट नेक्स्ट लिपस्टिक में अगेन पिंक एंड पीच दो ब्यूटीफुल से शेड्स है शुगर कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक अगेन गुड मूडीज कलेक्शन से ट्रांसफर तो होती है लेकिन मॉइस्चराइजिंग है एंड मे बी लिपस्टिक ऑब्वियसली ट्रांसफर होती है लेकिन मॉइस्चराइजिंग है नेक्स्ट माइग्लाइन लिपस्टिक्स की आप फटाफट स्क्रीन ले सकते हैं और इसमें जितनी भी लिपस्टिक्स हैं ये सभी बहुत वेलवेटी फिनिश की हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल से शेड्स हैं स्पेशली बिस्किटी शेड जो है वो मेरा फेवरेट है इनमें से एंड इनकी लिक्विड लिपस्टिक्स भी बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग नहीं है बहुत ही ब्यूटीफुल सी इवन फिनिश देती हैं लिप्स पर नेक्स्ट है फॉर एवर फिफ्टी टू का डेली कलेक्शन से एम एल सी ज़ीरो जीरो एट ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीच टोंड पिंक सा बहुत ही लाइट पीच लिपस्टिक का कलर है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है लिप्स पर पिगमेंटेड है और बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है लिप्स पर वेलवेटी फील देता है लेकिन ये ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट है एन वाई बे कलेक्शन से अमेज एरियल ये बहुत ही डिफरेंट सा म्यूटेड रोज टोंड कलर है ये एक लिक्विड लिपस्टिक है सो ये लिप्स से ट्रांसफ़र नहीं होगी और ये स्लाइटली मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है नेक्स्ट है एन माइ बे रन वे लिपस्टिक स्टेज वेयर एंड रिहर्सल लुक रिहर्सल लुक बहुत ही ब्यूटीफुल सब म्यूटेड रोज कलर है अगेन जस्ट लाइक अमेज एरियल और ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक है वेलवेटी फील देता है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है नेक्स्ट है स्टेक वर्क की लव बाइटिंग लिप पेंसिल्स ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल हैं ये मैट फिनिश देती हैं वेलवेटी फील है और ये फाइन लाइन की अपियरेंस को एनहैंस बिल्कुल भी नहीं करती हैं ये लिप्स को बहुत ही इवनली फिल करती हैं और ये बहुत ही पिगमेंटेड है एंड ये काफी अफोर्डेबल भी हैं स्टेक वॉक एंड एन वाई बे पर्पल डॉट कॉम पे अवेलेबल हैं आप जाके देख सकते हैं और मुझे पता है कि लिपस्टिक्स देखने के बाद ना हर कोई एक्साइटेड हो ही जाता है कि एक आद तो ले ही ले तो इतनी हेल्प करने के बाद जरूर मुझे सब्सक्राइब करना प्लीज नेक्स्ट इसको की ब्राउन फ्राम बेला बॉस्टे इट्स अ ब्यूटिफुल लिक्विड लिपस्टिक एंड ये लिप्स को ड्राई आउट नहीं करता है और ये बहुत ही ज़्यादा इवन टोन्ट फिनिश देता है इस लिपस्टिक का तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए क्योंकि इसके जैसा यूनिक शेड मुझे कोई लिपस्टिक रेंज में नहीं मिला ही है पर्पल लिप क्रे इन द शेड वाइट वाई, वाई नॉट ये वेलवेटी भी है स्मूथ भी है ये ट्रांसफर भी काफ़ी हद तक नहीं होता है एंड ये बहुत अफोर्डेबल भी है इस रेंज में एल ए कलर्स का कडल्स बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीच लिपस्टिक है अगर आपको लगता है कि ये आपको वॉश आउट करेगा तो आप इससे ओमरे इफेक्ट जरूर क्रिएट कर सकते हैं एंड एन वाई बीस रिडक्शन आई थिंक डिसकंटिन्यूड है अब बट अगर ही कहीं पे अवेलेबल हो तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी लिक्विड लिपस्टिक है उसके बाद के दो शेड्स वेट एंड वाइल्ड रेंज के मेटालिक लिक्विड लिपस्टिक्स हैं ये दोनों ही शेड्स पीची टोंड में आते हैं इसका नेम है बाली इन लव एंड सैटन शीट्स वेट एंड वाइल्ड की कैट सूट लिक्विड लिपस्टिक्स हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी फिनिश देती हैं ये इजीली डिस्काउंट्स पे आपको 250 या 300 तक के मिल जाएंगे बहुत ही यूनिक शेड्स हैं अगर आप हाई एंड में पीच लिपस्टिक्स लेना चाहते हैं तो ये डिया का पीच लिप ग्लॉस आप कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वाले वेबसाइट से या फिर कोई भी इंस्टाग्राम पेज जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं वहां से ये परचेज कर सकते हैं एंड मैंने भी ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की ही

जस्ट लाइक प्राइमरी लिप्स को बहुत ही इवनली फिल कर देते हैं lip lines की appearance को बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं ये काफी हद तक ट्रांसफर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट है बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स है जरूर लीजिए इसको इनका रिटेल प्राइस सेवन नाइनटी नाइन है बट ये हमेशा या तो बाय गेट वन में या फिर डिस्काउंट पे अवेलेबल होते हैं एंड ये रिट्रैक्टेबल लिप क्रॉन्स है तो शार्पनर कैरी करने का भी कोई झंझट नहीं होता नेक्स्ट लिपस्टिक्स भी अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये अलग अलग ब्रांड से हैं लेकिन ये सभी म्यूटेड पीच लिपस्टिक्स हैं ये इनमें कॉमन चीज है कि सभी सभी की म्यूटेड पीच लिपस्टिक के टोन्स हैं एंड नायका वाली बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है ट्रांसफर होती है लेकिन बाकी दो काफी हद तक ट्रांसफर रेजिस्टेंट है एंड इवन फिनिश देती है लिप लाइन्स को फिल कर देती है बिल्कुल भी लिप्स की क्रैक्ट फिनिश नहीं दिखाती है इट्स गुड फॉर पीपल विद ड्राई लिप्स नेक्स्ट लिपस्टिक्स शुगर कॉस्मेटिक्स के लिप क्रिय हैं मैट मैटा सेल लिपक्रॉन्स हैं पहले तीन वाले बहुत ही ब्यूटीफुल सी फिनिश है इनकी वेलवेट फील है ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट हैं काफ़ी हद तक एंड काफ़ी हद तक वाटर रेजिस्टेंट भी हैं ये एंड लास्ट वाली है पीच बॉयज़ फ्रॉम द मैट अटैक कलेक्शन अगेन दैट इज क्वाइट ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट एंड ये सारी की सारी बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश देती हैं आप इसको शुगर कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट से खरीद सकते हैं या फिर नायका या पर्पल डॉट कॉम से खरीद सकते हैं या फिर कोई और पोर्टल से ये वाली पीच टोन्स में थी अब नेक्स्ट जो कलेक्शन है ये पिंक टोन्स में है अगेन ये शुगर कॉस्मेटिक्स की मेटाजल लिप क्रियॉन्स हैं सारे की सारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिंक टोन्स में लिपस्टिक है शुगर कॉस्मेटिक्स की एक खासियत है कि इनकी सारी लिपस्टिक्स स्लाइटली म्यूटेड टोन्स में होती हैं और ये बहुत ही यूनिक डिफरेंट शेड्स होते हैं सो so ज़रूर इस कलेक्शन को ट्राई आउट कीजिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट लिप क्रियॉन्स आउट इन द मार्केट तो ये थी मेरी आज की वीडियो आई जस्ट होप आप सब लोगों को ये डिफरेंट डिफरेंट लिपस्टिक्स की कलेक्शन पसंद आई होगी आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि क्या पीच टिपिकल लाइट पीच कलर की लिपस्टिक्स आजकल मार्केट में हैं। एंड अगर आप लोगों को लिपस्टिक्स पीच लिपस्टिक चाहिए तो शायद मेरी ये वीडियो आपके काम आ सके सोचे आपके काम आ सके अगर आपको कोई भी लिपस्टिक का शेड पसंद आया है तो आई जस्ट होप आप लोगों ने स्क्रीन लेके रखे हैं माई नेम युक्ति I'll meet you next time. Till then, take care. Bye bye. And please do subscribe to my channel and share it with your friends. Like this video and increase our glam fam.